हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑटो नॉलेज पीवी। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपाची 4V 160 की। तो गाइस, वीडियो को ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं फ्रंट से। तो गाइस, फ्रंट में आपको यहाँ पे वाइजर नहीं दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस, फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको DRL का यूज किया गया है और दोनों ही लाइटों में LED का यूज किया गया है। इसमें आपको बल्ब का यूज नहीं किया गया है। बात कर लें इसके इंडिकेटर की, तो गाइस इसमें आपको प्रीमियम इंडिकेटर यूज किए गए हैं, जो कि बल्ब इंडिकेटर हैं। और गाइस, हम बात कर लें इसके शॉकर की, तो गाइस इसमें आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और गाइस, इस बाइक में आपको इतने शॉकर में यहाँ पे कहते हैं सस्पेंशन कवर यूज किया गया है। और गाइस, बात कर लें इसके मिडगार्ड की, तो गाइस इसमें आपको ड्यूल टोन फिनिश में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, शाइनिंग ब्लू एंड मैट ब्लैक। और गाइस, हम बात कर लें इसके डिस्क की, तो गाइस में आपको 280mm की डिस्क देखने को मिलेगी सिंगल चैनल ABS के साथ में, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गाइस, जो इसका फ्रंट टायर है ये आपको 80/100R17 का मिलेगा। और गाइस, जो इसका एलोई व्हील है आपको फुल्ली ब्लैक देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, और जिसपे की आपको यहाँ पे रेड कलर की लाइन और यहाँ TVS रेसिंग की मैचिंग की गई है। और गाइस, हम बात कर लें अब इसकी फ्यूल टैंक की, तो गाइस जो इसका फ्यूल टैंक है ये आपको 15 लीटर का मिलेगा। जो गाइस मैं बात कर लूँ इसके फ्यूल टैंक में, ये देखें आज यहाँ पे RTR 160 की बैचिंग की गई है, जो कि 3D में है। और गाइस, इसमें आपको फ्यूल पैड का यूज नहीं किया गया है। और गाइस, हम बात कर लें इसकी सीट की, तो जो गाइस इसकी सीट है ये काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक है, स्पोर्टी लुक में है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। गाइस, अब आ जाए बैग में, तो गाइस में जो आपको ग्रैब रेल यूज किया गया है ये काफी ज्यादा स्टाइलिश है। अब गाइस, हम बात कर लें अब इसके, तो गाइस यहाँ पे बैक में आपको RTR 160 4V का स्टीकर देखने को मिलेगा। और गाइस, ये जो गाइस बाइक बैक लुक से गाइस बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगती है। गाइस, हम बात कर लें इसके बैक टायर की, तो ये आपको 130/100R17 का मिलेगा, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बैक में भी आपको जो फ्रंट में अलॉय व्हील दिया गया है वैसे ही अलॉय व्हील है, कोई चेंज नहीं किया गया है, बस साइज का चेंज है। गाइस, बैक में आपको यहाँ पे 240mm की डिस्क देखने को मिलेगी, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जो गाइस इसका साइलेंसर है वो काफी ज्यादा उठा हुआ है, जिससे कि मतलब अगर आप कहीं पानी यानी भरा है या कहीं खराब रोड है तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। और गाइस, जो इसका सारी गार्ड है ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें आपको लेडीजों को बैठने के लिए थोड़ा कम सही है, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पैर रखने के लिए नहीं है। दो गाइस का चैन कवर है वो ओपन चैन कवर है, जिससे कि आपको आपकी चैन की मेंटेनेंस जल्दी जल्दी करानी पड़ेगी। बात कर लें इसके फुटरेस्ट की, तो गाइस में फुटरेस्ट दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफर्ट है। और गाइस, हम बात कर लें इसके मीटर की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। और गाइस, इसमें आपको रॉड हैंडल देखने को मिलेगी, इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार का यूज नहीं किया गया है, जो कि पहले वाली अपाची 160 2V में किया जाता था। गाइस, 160 4V में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली ब्लैक इंजन मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी लग रहा है, क्योंकि गाइस में आपको इंजन कवर भी यूज किया गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, ये 160 में आपको 8500 RPM पे 57.46 RPM पे देखने को मिलेगी। तो गाइस, इसमें आपको इतने सिंगल गियर बॉक्स दिए गए हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बाइक का लुक काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है। और गाइस, इसमें आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अपाची 160 2V में आता है। तो गाइस, ये बाइक काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक में है 160 4V। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको गाइस ये बाइक परचेज करनी हो तो आप यहाँ पर TVS ओम बालाजी मोटर्स कानपुर में आ सकते हैं, जो कि अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा।